गंज स्थित कचहरी के गेट नंबर 4 के पास गुरुवार सुबह कुछ वकीलों ने अपने साथियों के साथ लखनऊ बार एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री संजीव लोधी पर बम से हमला कर दिया। इन हमलावरों ने ताबड़तोड़ 7-8 बम फेंके जिसमें 2 बम फट गए। इसमें सिर पर चोट लगने से संजीव लोधी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 2 अन्य वकील भी मामूली चोटी हुए। इस घटना से नाराज वकीलों ने हंगामा किया और कोर्ट के अंदर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस का कहना है कि मौके पर 3 सुतली बम मिले हैं। पीड़ित वकील के साथियों ने 2 हमलावरों के नाम बताए हैं। इस बारे में पड़ताल की जा रही है। लगातार कल से महामंत्री जीतू यादव लखनऊबार, सुधीर यादव, अन्नू यादव और उनके भाई राजन यादव, अजय यादव का फोन आ रहा था, मुझे धमकियां दी जा रही थी। और आज 11:30 बजे मैं अपने चेम्बर के बाहर खड़ा था तो कम से कम 10 अज्ञात लड़के, जिसमें 3-4 लोग अजम एजाज और ऐसे लड़के थे जो यहाँ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यहाँ विधि व्यवसाय नहीं करते हैं, वो आए हैं, उन्होंने बम से हमला किया। 1 बम फटा है, 2 बम अभी पड़े हुए हैं यहाँ परिसर में। और उसके बाद मेरे ऊपर असलाह तान दिया और तो मेरे जो है जूनियर ने पकड़ लिया। उसके बाद ये लोग कुछ इधर भाग के गए हैं, कुछ उधर भाग के चले गए हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना मेरे साथ में होती है तो उसका शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। मुझे सुरक्षा चाहिए।